हेलो एवरीवन, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का ये हमारा थर्ड लेक्चर और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। पहले लेक्चर में मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट, एजा कोप रीअरेंजमेंट ये सब डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर भी देख लें, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। और एक बात, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लो और रेगुलर वीडियोस को वॉच करते रहिए। चलिए क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि दीज आर ऑब्जर्व्ड इन एराइल ईथर। किसमें ऑब्जर्व होती है ये, कैसे कंपाउंड्स में? एलाइल एराइल ईथर्स में क्लेजन रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। दूसरी बात, ये थर्मली अलाउड होती है, थर्मल अलाउड या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये रिएक्शंस होती है क्लेजन रीअरेंजमेंट। तीसरी बात, यहां पर भी 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है, टेक प्लेस 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यहां पर भी ऑब्जर्व करना है हमको। चौथी बात जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईच बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ईच सिग्मा ट्रॉपिक, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए ये लाइन हमको जरूरी है भैया, देख लो आराम से। ईच सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इज एसोसिएटेड विथ वन एलाइलिक शिफ्ट। इधर लिख देता हूं। तो हर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बाद हमको एलाइल शिफ्ट भी करना है। चलो पहले तो एक मॉडल रिएक्शन हम देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं बना रहा हूं यहां पर एक एलाइल एराइल इथर, देखो ये बनाया मैंने एक एलाइल एराइल इथर, ये डायरेक्ट बना देता हूं मैं। यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये बन गया हमारा ये एलाइल ग्रुप है, ये एराइल ग्रुप है और ये बन गया हमारा ईथर। तो एलाइल एराइल ईथर थर्मली अलाउड है और यहां पर थर्मली अलाउड है तो जैसे ही थर्मल कंडीशन हम अप्लाई करते हैं 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। कैसे होता है वो तो हम मैकेनिज्म में देखेंगे, अभी तो डायरेक्ट मॉडल रिएक्शन हम देख रहे हैं। तो जब एलाइल एराइल ईथर थर्मल कंडीशन पर 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है वो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। प्रोडक्ट ये बनता है, ये है ऑर्थो एलाइल फिनॉल, ऑर्थो एलाइल फिनॉल प्लस एक और प्रोडक्ट बनता है, यह है पैरा एलाइल फिनॉल। इन दोनों में यह कहा जाता है कि जो ऑर्थो एलाइल फिनॉल है यह मेजर प्रोडक्ट होता है, जबकि जो पैरा एलाइल फिनॉल है यह माइनर प्रोडक्ट होता है। क्लियर है, इतनी सी बात है हमारे पास। ये है रिएक्शन क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब ये होता कैसे है, ये कैसे रिएक्शन होती है, हम मैकेनिज्म के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लो। तो अब हम यहां पर मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे क्लेजन रीअरेंजमेंट की, इसके बाद हम ट्रिकी वे में भी देखेंगे कि आखिर ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर। देखो जो मैकेनिज्म है वो जरूरी इसलिए है समझना क्योंकि हमको जो एग्जाम्पल्स एग्जाम में आने वाले हैं वो जो हम यहाँ पर समझेंगे अभी वही नहीं आएंगे, कोई सा भी एग्जाम्पल वो पूछ सकता है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स बन सकते हैं यहाँ पर। तो मैकेनिज्म समझना जरूरी है यहाँ पर, ट्रिकी वे में हम सॉल्व तो कर पाएंगे लेकिन मैकेनिज्म भी आना चाहिए। चलो मैकेनिज्म पर हम डिस्कशन करते हैं। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इसकी
हमारे पास ये था मटेरियल, क्या मटेरियल था हमारे पास, एलाइल एराइल ईथर। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, चलो ये बनाया मैंने एलाइल एराइल ईथर। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? आप कहो तो मैं इसको ऐसे बना दूं, कोई दिक्कत किसी को? ये बन गया मेरा एलाइल एराइल ईथर, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर एलाइल एराइल ईथर है, ठीक। चलिए अब हम समझेंगे मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जो डिफरेंट एग्जांपल्स हम एग्जाम में फेस करेंगे वहां पर हमको प्रॉपर या एक राइट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमको मैकेनिज्म आना जरूरी है। दूसरी बात, इसमें ट्रिकी वे से कैसे सॉल्व करते वो भी हम देखेंगे, पहले मैकेनिज्म समझेंगे बाद में ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। मैकेनिज्म क्या है इसका, देखो मैकेनिज्म क्लेजन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म। हमको सब्सट्रेट क्या मिला हुआ है, सब्सट्रेट क्या ये मिला हुआ है, देखो बताओ मुझे, ये है एलाइल और एराइल ईथर, ये मैंने बना दिया एलाइल एराइल ईथर, ठीक है। करना क्या है, करना कुछ भी नहीं, वही थर्मल कंडीशन, जब थर्मल कंडीशन देंगे तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट या रीअरेंजमेंट होना है, रीअरेंजमेंट होना है। कैसे होना है, देखो यहां पर अब इसको हम समझ लेते हैं, ये वाला बॉन्ड यहां पर, ये वाला बॉन्ड यहां पर, और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा। तो कैसे शिफ्ट होगा ये बताओ मुझे, देखो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के बिटवीन तो डबल बॉन्ड आ गया। अब यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, अलाइल ग्रुप यहां पर आने वाला है। अब ये इस टाइप से दिखाई देगा, जब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास दो बॉन्ड यहां पर भी है, क्लियर है। अब यहां पर क्या होता है, एरोमेटाइजेशन, यहां पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहां पर डबल बॉन्डिंग करता है, जिससे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बिटवीन जो है, ऑक्सीजन और कार्बन के बिटवीन, वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन पर चला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। जब एरोमेटाइजेशन होता है तो इस टाइप से कुछ हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, और हमारा एलाइल तो अभी भी वैसा का वैसा ही है, क्लियर है, ये बन गया अब प्रोडक्ट, इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्थो अलाइल फिनॉल, ऑर्थो अलाइल फिनॉल हमारा फॉर्म हो गया, जो कि हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, क्लियर है, ये मेजर प्रोडक्ट है। कैसे बना वो मैंने आपको बताया, देखो पैरा एलाइल फिनॉल कैसे बनता है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, इसी कंपाउंड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मैंने यहां पर लगाया डबल बॉन्ड ओ, ये मैंने सिर्फ कार्बन में रोटेशन या कार्बन कार्बन बॉन्ड में रोटेशन करवा दिया, इस डबल बॉन्ड के साथ जो CH2 जुड़ा हुआ है उसको, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, सिर्फ सिंपल इतना किया है, बाकी और कुछ भी नहीं किया, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब क्या हो सकता है, यहां पर एक बार फिर से 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो सकता है, कैसे, देखो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए हमको चाहिए क्या, एक तो हम ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे यदि हमको 1,5 डाई इन मिल जाए तो हम ये शो कर देंगे कि 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, तो मैं आपको वो 1,5 डाई इन इसमें दिखा देता हूं। देखो ये यहां से यदि हम काउंटिंग शुरू करें 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6 हमारे लिए, क्लियर है। अब मैं ये कहता हूं, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, जो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि 3 और 4 के बिटवीन जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा जबकि 1 और 6 के बिटवीन बॉन्ड फॉर्म होगा, तो हम जिनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है वहां से 1 1 काउंट करते हैं, जहां तक हमको बॉन्ड बनाना है वहां तक काउंटिंग कंटिन्यू करते हैं, 1 2 3 ये भी 1 2 3, तो ये 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट फिर से हो जाएगा कि नहीं, तो जो ये 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा उसके बाद देन क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको यहां पर देखो, देखो क्या ये बनेगा
ये दो हमारे बॉन्ड वैसे के वैसे यहां पर डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ यहां चला गया, ये बॉन्ड यहां पर और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं और उल्टा तरीका मैं बता देता हूं, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, दोनों ही तरीके से हम बता सकते हैं। तब मेरा ये बॉन्ड तो यहां से हट गया है और बॉन्ड कहां बन गया, यहां पर आ गया अब हमारा बॉन्ड। तो मैं इसको इस तरह से बना देता हूं, ये हमारा हो गया एलाइल। ठीक है, अब एलाइल हमारे लिए पैरा पोजिशन पर, यहां डबल बॉन्ड भी है, एलाइल पैरा पोजिशन पर पहुंच चुका है हमारे पास। अब होना क्या है, यहां पर जो हाइड्रोजन लगी हुई है इसके कारण होगा एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन होगा तो होगा कैसे, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस प्रोडक्ट को मैं यहां बना दूं क्या, हमारे पास जगह यहां पर है तो मैं यहां पर बना देता हूं। देखो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये हो जाएगा OH, जबकि ये हमारा हो गया एलाइल और एक बॉन्ड हमारे पास यहां पर है, एक बॉन्ड यहां पर है और एक बॉन्ड यहां पर है, ये बन गया हमारा पैरा अलाइल फिनॉल। पैरा अलाइल फिनॉल बन चुका है जो कि एक माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है, जबकि मेजर मेजर प्रोडक्ट क्या है, ऑर्थो एलाइल फिनॉल है। दोनों ही प्रोडक्ट कैसे बने उनकी पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी है। अब हमको वो फोर्थ पॉइंट यहां पर समझना है कि आखिर 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जितनी बार होगा उतनी बार एक एक बार हमको एलाइल शिफ्ट भी करना है। उसको समझने के लिए मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं और एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, उस पर हम समझेंगे कि आखिर वन टाइम यदि 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है तो वन अलाइल शिफ्ट होगा, टू टाइम्स यदि 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है तो टू टाइम्स अलाइल शिफ्ट होगा, सिमिलरली 3 टाइम्स यदि 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है तो 3 टाइम्स हमको अलाइल शिफ्ट करवाना पड़ेगा। कैसे, उसको समझने के लिए मैं एक अलग से स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब जो फोर्थ पॉइंट है उसको समझने के लिए मैं एक ट्रिक बना रहा हूं, या ट्रिक है ये क्लेजन रीअरेंजमेंट को समझने के लिए ही, कि जो मैंने अभी ट्रिक की बात की थी कि क्लेजन रीअरेंजमेंट को ट्रिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखो उसको मैंने ले लिया एलाइल एराइल इथर, ये ले लिया मैंने एलाइल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, ये हमारा एलाइलिक ग्रुप है, ये हमारा एराइल है और ये बन गया एलाइल एराइल इथर। अब होना क्या है, वही जो मंजूर खुदा होता है, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होगा, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा तो होगा क्या, यहां पर ये होगा प्रोडक्ट बनेगा जो अभी आप बना करके आए हो, ऑर्थो प्रोडक्ट, चलो बनाता हूं मैं, ये मैंने बनाया ऑर्थो प्रोडक्ट CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया ऑर्थो प्रोडक्ट, क्लियर। अब समझने वाली बात क्या है यहां पर, ये देखो कि ये मैंने ले लिया यहां पर आइसोटॉपिक कार्बन, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन है इसको मैं क्या बता रहा हूं, आइसोटॉपिक कार्बन बता रहा हूं। जब 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट एक बार हुआ तो एक बार हमने एलाइल शिफ्ट किया, मीन्स डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड को एक बार हमने मूवमेंट करवा दिया, मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि एलाइल शिफ्ट हुआ, इधर की साइड एलाइल शिफ्ट हुआ, इधर एलाइल शिफ्ट एक बार हुआ, तो जो यहां पर कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है वो कौन सा कार्बन कर रहा है, अब ये वाला कार्बन कर रहा है, कौन सा, ये वाला कार्बन, और डबल बॉन्ड कहां पर है, यहां पर है, तो हमको जो लास्ट में कार्बन दिखाई दे रहा है ये वाला कार्बन हमारे लिए क्या है, आइसोटॉपिक कार्बन है। एक बार हमने क्या करवा दिया, एलाइल शिफ्ट करवा दिया, इधर के साइड एलाइल शिफ्ट हुआ और बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ हुई है, ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात, दो बार यदि 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो जाए, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कितनी बार, दो बार हो जाए, और दो बार कब हुआ था हमारे पास, अभी जब पैरा प्रोडक्ट बना था, जब पैरा प्रोडक्ट बना था तब भी वही का वही प्रोडक्ट था, हमको वैसा ही दिखाई देगा CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ये बन गया OH हमारे पास पैरा प्रोडक्ट। देखो पैरा प्रोडक्ट में दो बार सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ था, हम यहां पर क्या कहेंगे, दो बार सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ इसका मतलब एक बार इधर गया, ठीक, फिर वापस एक बार इधर आया, दो बार से क्या हो गया, अलाइल शिफ्ट हो गया, दो बार सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है इसलिए अलाइल शिफ्ट भी कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, इसको एक बार इधर से बता देता हूं, एक बार इधर से इधर आया फिर इधर से इधर आया हमारे पास,
तब डबल बॉन्ड किसके पास है, इस CH2 के पास है हमारे पास डबल बॉन्ड। तो अब जो यहां पर इस पैरा पोजिशन पर बॉन्डिंग करना है ये डबल बॉन्ड वाला नहीं करेगा, कौन सा वाला करेगा, ये आइसोटॉपिक कार्बन करेगा। तो हम इस कार्बन के ऊपर आइसोटॉपिक साइन बता देंगे, क्लियर है ये बात। दो बार जब होता है एलाइल शिफ्टर तो ये वाला कार्बन या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन यहां पैरा पोजिशन पर बॉन्डिंग करता है, ये बात हमको ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना है, क्लियर। एक बार एलाइल शिफ्ट हुआ ऑर्थो पोजिशन पर तो जो आइसोटॉपिक कार्बन है वो सबसे लास्ट में चला गया, जबकि पैरा पोजिशन पर यदि बॉन्डिंग हो रही है तो दो बार 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, इसके कारण हमको दो बार एलाइल शिफ्ट करना पड़ा जिससे आइसोटॉपिक कार्बन ही पैरा पोजिशन पर बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जब 3 times यदि 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ तो फिर से यहां पर आइसोटॉपिक कार्बन चला जाएगा, 4 times यदि 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ तो फिर से आइसोटॉपिक कार्बन बॉन्डिंग करेगा एराइल के साथ, या कह सकते हैं कि उस कार्बन या पैरा पोजिशन वाले कार्बन के साथ 4 times होगा। तो इस टाइप से आपको ट्रिक ध्यान रखना है जब इवन में क्या होता है और ऑड में क्या होता है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या हेडिंग है अब हमारी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक, तो क्लेजन रीअरेंजमेंट के कुछ 2-4 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी फील होगा। नंबर वन ये है, इफ वन ऑफ द, समझ लो पहले, वन ऑफ द ऑर्थो पोजिशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड देन क्लेजन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस एट अनादर ऑर्थो पोजिशन। क्या कहना का मतलब हुआ इसका, यदि कोई हमने सब्सट्रेट लिया, फिर एग्जांपल ले लेता हूं, मैं सब्सट्रेट ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने सब्सट्रेट और मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारा हो गया एलाइलिक ग्रुप और एक ऑर्थो पोजिशन पर कोई ऑलरेडी हमने ग्रुप लगा रखा है, क्या लगा रखा है, कोई भी ग्रुप लगा रखा है, तो हम ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द ऑर्थो पोजिशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। देन होता क्या है, क्लेजन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस एट अनादर ऑर्थो पोजिशन, कौन सी, जो बची हुई है वहीं पर होगा, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होना है, प्रोडक्ट क्या बनना है, वही जो बनते आ रहे हैं, यहां पर OH आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एलाइलिक ग्रुप, ये हो गया हमारा ऑर्थो एलाइल फिनॉल जो कि मेजर प्रोडक्ट है हमारे लिए, मेजर प्रोडक्ट, और पैरा भी बनेगा हमारे पास क्योंकि पैरा पोजिशन भी तो वैकेंट है, ये OH है, ये बन गया हमारे पास पैरा अलाइल फिनॉल, क्लियर है, जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा। अब आइसोटॉपिक फॉर्म फिर से एक बार मैं बता देता हूं, देखो ये आइसोटॉपिक कार्बन यदि हमारे पास है तो 1 time यदि सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है तो हमारे पास आइसोटॉपिक कार्बन यहां पर आ जाएगा, ठीक है, जबकि जब दो बार 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है और पैरा प्रोडक्ट बनता है तो आइसोट्रॉपिक कार्बन यहां पर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाली बात भी आप बार बार रिपीट करते रहे तो हमको ये भी सीखने में आ जाएगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखो, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक का क्या कहना पड़ता है, इफ बोथ द ऑर्थो पोजिशंस आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, दोनों पर मैंने कोई ना कोई ग्रुप लगा दिया, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, देन क्लेजन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस एट, बिल्कुल जो बचा है वहीं पर होगा क्लेजन रीअरेंजमेंट, पैरा पोजिशन पर, कहां पर, पैरा पोजिशन पर होता है। देखो कैसे, ये ले लिया हमने, ये था हमारा
अलाइल ग्रुप, और इसको हम कह रहे हैं एलाइल एराइल ईथर। वही सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होना है, कितनी बार होगा, टू टाइम्स होगा। आप क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों पोजीशंस पर कोई ना कोई ग्रुप लगा रहे हैं, तो ऑर्थो पोजीशन तो हमारे पास खाली नहीं है। ऑर्थो पोजीशन पर दिक्कत क्या है, क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन यदि होता तो अरोमेटाइजेशन या एरोमेटाइजेशन यहाँ पर होता, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो एरोमेटाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। तो एरोमेटाइजेशन अब होगा कहाँ, पैरा पोजीशन पर होगा। तो पैरा पोजीशन पर हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, मीन्स ये है हमारे पास पैरा अलाइल फिनॉल, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा हमारे लिए। मेजर क्या, 100% यही बनने वाला है, ठीक है, पूरी तरह से फिनॉल पैरा एलाइल फिनॉल ही बनने वाला है, ऑर्थो एलाइल फिनाइल फिनॉल तो बनेगा ही नहीं, क्लियर है। ये एक दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक हुआ। अब तीसरे कैरेक्टरिस्टिक पर आता हूं, यहां पर आप लगा लो, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मैं पैरा पोजिशन पर भी यदि कोई ग्रुप लगा दो, मैं ये कहूं एज वेल एज बोथ ऑर्थो पोजिशन एज वेल एज पैरा पोजिशन आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, चलो इसको इरेज कर ही देता हूं यार। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या कहा, इफ बोथ ऑर्थो पोजिशन एज वेल एज पैरा पोजिशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, देन क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या होगा, बताओ, आप बताओ क्या होगा इसका, डज नॉट टेक प्लेस, होती ही नहीं है ये। जब ऑर्थो पोजिशन भी और पैरा पोजिशन भी, दोनों ऑर्थो और पैरा पर भी कोई ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ है, तो अब हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है ना शिफ्ट करने के लिए, या एरोमेटाइजेशन के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, तो होता ही नहीं है, ये हो गया हमारा, ठीक है, सबस्ट्रेट। और यदि हम कहें कि इसको थर्मल कंडीशन दे तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनना है इसका, क्योंकि क्लेजन रीअरेंजमेंट होता ही नहीं। अब देखो ये तीन तो हमने यहां पर बातें कर ली, तीन बातें हमने यहां पर कह दी कि यदि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है पोजिशंस, ऑर्थो पोजिशंस एंड पैरा पोजिशंस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फोर्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। फोर्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि यहां पर यदि साइड चेन लगी हुई हो, साइड चेन ये एक ग्रुप की जगह पर या एक किसी एटम की जगह पर या किसी छोटे एटम की जगह पर कोई चेन हो, तो फिर वापस क्लेजन रीअरेंजमेंट हो सकता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आप बहुत ध्यान से समझो, इसमें हमको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलने वाली है कि जो साइड चेन आ जाए, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या कह सकते हैं हम, समटाइम्स क्लेजन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस इन द साइड चेन ऑफ सबस्ट्रेट। कैसे, उसको हम समझते हैं। सबस्ट्रेट की साइड चेन में भी क्लेजन रीअरेंजमेंट हो सकता है। देखो ये मैंने लिया सबस्ट्रेट, थोड़ा छोटा बनाता हूं, जगह कम पड़ सकती है हमको, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको। ये बना लिया मैंने सबस्ट्रेट, थोड़ा छोटा बना लिया अब मैंने इसको, ये मेरे बॉन्डिंग हो गई, ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये मैंने लगा लिया मेरा एलाइलिक ग्रुप। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड ग्रुप्स हैं, जबकि इस ऑर्थो पोजिशन पर एक साइड चेन मैंने लगा ली, ठीक है, ये ऑर्थो पोजिशन है, यहाँ पर एक साइड चेन लगा ली। तो हम ये कह रहे हैं कि जो साइड चेन अवेलेबल है, इस साइड चेन में भी 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होकर के क्लेजन रीअरेंजमेंट हो सकता है। जबकि अभी अभी हम क्या कहकर के आए थे कि यदि बोथ ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, देन क्लेजन रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक प्लेस। तो वो बात यहां पर कैंसिल हो रही है, क्यों, क्योंकि साइड चेन अवेलेबल है और उसके अंदर 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। देखो जैसे ही हम थर्मल कंडीशन देंगे तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक
रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। कैमरा चल रहा है, चल रहा है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, कैसे होगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट होता है इस कार्बन और इस कार्बन के बिटवीन, ये डबल बॉन्ड यहां पर ऑक्सीजन के पास, ये डबल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड बनाया, ये वाला बॉन्ड यहां पर बॉन्ड बनाएगा। देखो बनेगा क्या प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट ये बनेगा, आप मुझे बताओ कि यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये हमारा सी एच डबल बॉन्ड सी एच पी एच ऑलरेडी लगा हुआ है, और ये कंडीशन आ गई हमारे पास, डबल बॉन्ड यहां पर आ चुका है अब, क्लियर है। और ये एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां पर है, ये R से ऑक्यूपाइड है, ये भी R से ऑक्यूपाइड है। ये प्रोडक्ट बनना है जब एक बार 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। अभी देखो यहां पर फिर से मैं क्या कह रहा हूं, मान लो कि ये आइसोट्रॉपिक हमारा कार्बन था, तो जब एक बार एलाइल शिफ्ट हुआ, एलाइल शिफ्ट इधर हुआ, तो ये आइसोट्रॉपिक कार्बन हमारे पास कहां है, ये रहा हमारे पास आइसोट्रॉपिक कार्बन। अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, कैसे, ये ध्यान से देखो इसको, ये मैंने लगा दिया आर ग्रुप, ये मैंने लगा दिया आर ग्रुप, ये है मेरे पास डबल बॉन्ड ओ, ये मेरी बॉन्डिंग वैसी की वैसी ही है, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये पी एच हमारे पास लगा हुआ है। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखना चाहता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि नहीं, बस ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो हमने उसको रोटेट करके इधर कर दिया। अब वही हमारे पास देखो फिर से 1,5-diene आ गया है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 1,5-diene हो गया कि नहीं। अब 1,5-diene हो गया, ये 3 और ये 4 बनेगा कहां पर, ये 1 और ये 6 के बिटवीन बॉन्ड बनेगा। जब बॉन्ड बनेगा तो कैसा बनेगा, तो फिर से हमारे पास हो गया क्या, एक बार 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यहां पर एक बार फिर से हो रहा है। कहां पर 1 और 6 के बिटवीन बॉन्ड बनेगा, तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन 1 और 6 के बिटवीन शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अलाइल शिफ्ट हो जाएगा, फिर से यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट होने वाला है। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखो यहां पर बना रहा हूं, ये बनाया मैंने आर, ये बनाया मैंने आर, यहां पर अभी भी डबल बॉन्ड ओ ही है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं। यहां डबल बॉन्ड के साथ सी एच लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड सी, इधर नीचे एच लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं पी एच, और यहां पर अब इस कार्बन ने बॉन्डिंग कर ली। जब इस कार्बन ने बॉन्डिंग की तो यहां पर इसको ओपन करके लिख देता हूं सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, अब हमको ये देखने को मिलेगा। अब हमारा आइसोटॉपिक कार्बन कहां गया, आइसोटॉपिक कार्बन हमारा ये वाला था, मतलब कार्बन के साथ जिसने बॉन्डिंग की हुई है वो हमारा आइसोट्रॉपिक कार्बन है। यही अभी मैं कहकर के आया था थोड़ी देर पहले आपको कि जब दो बार सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है तो जो बॉन्डिंग करने वाला कार्बन रहता है एराइल ग्रुप के साथ या 1,6 पॉइंट पर जो रहते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आइसोट्रॉपिक हो जाता है। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, वही होने वाला है यहां पर भी एरोमेटाइजेशन, यहां लिख देता हूं मैं एरोमेटाइजेशन होना है, एरोमेटाइजेशन। पहले से हमारे पास यहां और यहां पर बॉन्ड थे दोनों के दोनों, ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलने वाला है वो अब हमको यहां पर दिखाई देगा। ये देखो ये बन गया ओ एच, और साइड में जो ग्रुप लगा हुआ है उसको इस तरीके से मैं लगा देता हूं सी एच डबल बॉन्ड सी, एक तरफ पी एच लगा हुआ है और एक तरफ हमारा वो ऊपर वाला ग्रुप लगा हुआ है सी एच टू बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, एलाइलिक ग्रुप लगा हुआ है। यहां पर आर पोजिशन ऑक्यूपाइड है, यहां पर भी आर पोजिशन ऑक्यूपाइड है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, फाइनल प्रोडक्ट दो बार क्या हुआ, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यहां पर हुआ है, क्लियर है। तो जब साइड चेन आती है तब भी क्लेजन रीअरेंजमेंट हो सकता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अब 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जितनी बार होगा आइसोटॉपिक कार्बन उतनी बार अपने पोजीशन को चेंज करेगा, या हम सीधे कह सकते हैं अलाइलिक शिफ्ट उतनी बार हमको करवाना है, ठीक है। तो यदि अच्छा लगा हो लेक्चर तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।